हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी, AY अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम रेगुलर आपके लिए इंग्लिश के जो ग्रामर है उसके वीडियोज अपलोड करते हैं, और ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको हम वादा करते हैं कि किसी भी तरह की कोचिंग, कहीं पर भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि हमारा ग्रामर का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और हम आपको बता दें कि 9th से लेकर 12th तक पूरा सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अर्थ समझ सकते हैं अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका, यदि आप MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स अपने जो इंग्लिश है उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान होती है और इसके क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और क्या क्या यहाँ पे शर्तें होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो शब्द अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, टेंस कहलाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको देखना है। इसके पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर होती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पहली हेल्प जो है हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज, और दूसरी जो है वो है हैव, HAVE, हैज और हैव। यहां फ्रेंड्स देखना है कि जो हेल्प हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके होते हैं ही, सी, इट या कोई नेम हो तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि ही, सी, इट या कोई नेम है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करना है। इसके पश्चात हैव की हम बात कर लें तो हैव आपका जो है वो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी कि अगर सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है, खासकर आई, वी, यू, दे, यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, तो इनके साथ में हम हमेशा हैव का यूज करेंगे। तो ये मानना है मेरा कि आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हमेशा जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब का इस सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। थर्ड फॉर्म यूज होने के नाते अब आपको एक समस्या और हो गई होगी कि आपको जितने भी वर्ब्स हैं उन सभी का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हम आपको फ्रेंड्स बता रहे हैं कि आपके पास में जो भी सीरीज होंगी उन सभी में आपको देखना है तो आपको जो ये जो थर्ड फॉर्म है वर्ब के वो आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। हम यहाँ पर आपको सर्च करके बता रहे हैं, हमारे पास में ये आप देख लीजिए कि शिवलाल जो कक्षा 11वीं की सीरीज है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वर्ब्स हैं कहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर यहाँ रूल्स भी दिए होंगे कि कब हमें सेकेंड फॉर्म किस तरह से बनाना है, थर्ड फॉर्म भी हमें कैसे बनाना है। तो ये फिर से बहुत ही आसान हो जाता है, बस आपको थोड़ा जैसे ही पर डे आप जगते हैं तो 2 से 3 या 5 दिन तक थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, ये सीरीज 123 पेज पे टेंसेस दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स दिए गए हैं। ग्रुप 1, ये क्रियाएं डी या ED जोड़ने के रूप के से रूप बदलते हैं, जैसे अब्यूज में सोता गाली देना तो अब्यूज हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको एक बात और बता दें नॉलेज के लिए कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो फर्स्ट फॉर्म होता है और ये हो गया सेकेंड फॉर्म और ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म,
ये हम आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं सीधे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, जबकि फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का रूप होता है, और जो सेकंड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, और जो थर्ड फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो क्योंकि कई बार जो टीचर्स रहते हैं वो सब चीज़ें इनको ज़्यादा डिटेल में समझाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो सीधे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बता देते हैं। वैसे तो फोर्थ फॉर्म भी होता है और फिफ्थ फॉर्म भी होता है। फोर्थ फॉर्म को जिरंड कहा जाता है क्योंकि उसमें ing वाला रूप होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसमें मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पहले हम टू लगा देते हैं। तो जैसे गो है, तो यहाँ पर देखिए यदि गो है तो गो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाता है उसका वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और यदि फोर्थ फॉर्म होगा तो हो जाएगा गोइंग। इसे जिरंड भी कहते हैं जिसमें ing फॉर्म लगा होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टू गो, यानी कि हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने टू लगा देना है तो हमारा फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये जो वर्ब्स हैं यहाँ पर इनको सभी को आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही सिंपल सिंपल, और अक्सर यूज होने वाले जो मीनिंग्स हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपको मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आप वर्ब भी सीख जाएंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखें कि कुछ वीक वर्ब्स यानी कि डी के स्थान पर टी आ जाता है, तो इनको जैसे बैंड है तो यहाँ पर बैंट बैंट हो जाएगा, यानी एक बिल्ड है तो बिल्ट बिल्ट हो जाता है, लैंड है तो लैंट लैंट हो जाता है। तो ये कुछ नियम्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से बहुत आसानी से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म लर्न कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कुछ क्रियाएं तीनों रूप समान होते हैं, जैसे बेट 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 और बस्ट बस्ट बस्ट, यानी कि ये तीनों रूप एक जैसे होते हैं। तो इस तरह से इनको आप पूरा लर्न कर लेते हैं, बहुत सिंपल है और आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप लर्न कर पाएंगे। तो ये जानकारी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म के बारे में, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ सेंटेंसेस के उदाहरण आपको दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पे हम अभी इंग्लिश में नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हम आपको सिंपल नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में चुका है आया है। वे मैदान में दौड़ चुके हैं, इस तरह से। तीसरा देख लीजिए, हम सुबह जग चुके हैं। चौथा, मोहन स्कूल जा चुका है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से देखना है कि इस तरह के सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अगले सेंटेंस में हम आपसे बात करेंगे, यह था बेसिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इतनी चीजें हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आपको हर जगह पे करना है, और थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म क्योंकि यहाँ पे हर जगह लगेगा, इसलिए आपको वर्ब पर खासकर आपको थर्ड फॉर्म लर्न करना है। सेकेंड फॉर्म भी लर्न करेंगे, सभी लर्न कर लें, क्योंकि आगे जो सेंटेंस रहेंगे उनमें आपको कहीं पर सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो आपका एक काम और बढ़ जाता है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है अपना वर्ब्स के जो रूप हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनको लर्न करने के लिए। अगला जो वीडियो होगा वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसको, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में क्लिक करके आप जो अगला वीडियो है सिंपल सेंटेंस का उसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, हमारा जो समझाना है वो कैसा लगता है, हमें कमेंट करके बताते रहिए, हमको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।